टेक्सिल.com के YouTube चैनल पर मैं CA सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूँ। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को सर्विसेज प्रोवाइड की और इनवॉइस इशू किया और GST पे कर दिया, लेकिन मिस्टर बी ने पेमेंट नहीं की, जिसकी वजह से कि मिस्टर ए को अपने डेट बुक्स में राइट ऑफ करने पड़े, क्योंकि मिस्टर बी जो है वो बैड डेट की कैटेगरी में आ गया। तो क्या मिस्टर ए ने जो GST पे किया था उसका वह रिफ़ंड क्लेम कर सकता है? इसके लिए हमें सेक्शन 16 को रेफ़र करना होगा, CGST एक्ट 2017 के, जो कि यह कहता है कि यदि कोई रिसिपिएंट किसी सप्लायर को जो सप्लाई की वैल्यू है और टैक्स है वह 180 दिन के अंदर पे नहीं करता है, तो उस केस में रिसिपिएंट को इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स करना होगा। यानी कि जो इनपुट टैक्स क्रेडिट रिसिपिएंट ने अवेल किया है वह उसकी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में ऐड कर दिया जाएगा और इंटरेस्ट भी उस रिसिपिएंट को पे करना होगा। इसके साथ ही हमें सेक्शन 54 को भी देखना होगा CGST एक्ट के, जो कि टैक्स के रिफंड से डील करता है, जहाँ पे कि सब सेक्शन 3 दिया गया है, जो कि यह कहता है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिफंड सिर्फ दो केसेस में ही अलाउ है, यानी कि या तो जीरो रेटेड सप्लाई की गई हो बिना टैक्स की पेमेंट के, या फिर आपका जो इनपुट्स के ऊपर टैक्स है वो ज़्यादा हो और जो आप आउटवर्ड सप्लाई कर रहे हैं उस पर टैक्स रेट कम हो। इस केस में मेरा कमेंट ये है कि मिस्टर बी को इनपुट टैक्स क्रेडिट को रिवर्स करना होगा और इंटरेस्ट भी पे करना होगा, क्योंकि इनवॉइस को 180 दिन के अंदर पे नहीं किया गया है। इसके साथ ही मिस्टर ए भी GST का रिफंड क्लेम नहीं कर सकता है, क्योंकि GST एक्ट में ऐसी कोई प्रोविज़न नहीं दी गई है कि यदि कोई व्यक्ति का डेट बैड डेट बन जाता है तो उसका GST का रिफंड वह क्लेम कर सकता है। GST और टैक्स पर स्पेशल जानकारी और टिप्स लेने के लिए आप मेरे ऑनलाइन कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक है GST न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, यानी कि patreon.com/CA सतबीर सिंह। यदि आप GST से रिलेटेड रेगुलर अपडेट्स अपनी ईमेल आईडी पर मंगवाना चाहते हैं तो आप हमारे न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक इस GST न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। यदि आप हमारे प्रीवियस GST न्यूज़ को सुनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को रेफर कर सकते हैं। आज की GST की न्यूज़ आपको कैसे लगी इसके बारे में हमें बताएं, लाइक करें और शेयर करें। जितना अधिक आप लाइक करते हैं और शेयर करते हैं उतनी ही अधिक हमें प्रेरणा मिलती है कि हम और भी अधिक अच्छी GST की न्यूज़ आप तक पहुंचा पाएं। जो नई GST की बुक्स मार्केट में आई है उन्हें रेफ़र करने के लिए आप हमारी वेबसाइट taxil.com पर जा सकते हैं, बुक्स के अंदर न्यू रिलीज इन बुक स्टोर पर क्लिक कर सकते हैं और इन बुक्स को रेफ़र कर सकते हैं। जो नई बुक्स मार्केट में आई हैं वह है GST रेडी रेकनर बाई VS डाटे, रिवाइज्ड रीप्रिंट 6th एडिशन, अमेंडेड अप टू 3rd April 2018। इसी प्रकार ही गाइड टू गुड्स एंड सर्विस टैक्स, GST ई वे बिल बाई VS डाटे 2018, अमेंडेड अप टू 27th March 2018। जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स कॉम्पेंडियम बाय डॉक्टर संजीव अग्रवाल, प्रैक्टिशनर गाइड टू इनपुट टैक्स क्रेडिट अंडर GST, गाइड टू GST ऑन सर्विसेज, HSN कोड वाइज टैक्सीबिलिटी ऑफ ऑल सर्विसेज। इसी प्रकार ही लर्निंग टेली ERP 9 विद GST।